हे व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज का जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा स्केरी प्लस हॉरर होने वाला है, क्योंकि आज मैं कैसे गेम को खेलने वाला हूँ जिस गेम का नाम है रिक्स डेथ हाउस। एंड इस गेम को इससे पहले मैंने कभी नहीं खेला, फर्स्ट टाइम खेलने वाला हूँ, तो वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए जल्दी से गेम को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑल राइट गाइज, तो फिलहाल मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है और ये गेम का इंट्रो है, और इसमें हम लोगों को दिखाया जाएगा कि दरअसल हुआ क्या था। तो फिलहाल हम लोग दो जन यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, तो जो वहाँ पे बैठा है उसका नाम है चार्ली, और अभी बहुत ज़्यादा ही रात हो गया है, तो फिलहाल अभी मैं सोने वाला हूँ, तो मैंने उसको गुड नाइट कह दिया है और फिलहाल अभी मैं सो जाता हूँ। एंड चार्ली बाहर में बैठा हुआ है क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो वहाँ पर आग चल रहा है, तो वो फिलहाल वहाँ पर बैठा हुआ है। तो मैं अभी सो चुका हूँ और कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रात हो चुका था। तो अभी फ़िलहाल मैं उठ जाता हूँ क्योंकि मैं देखूँगा कि चार्ली सोया है कि नहीं, क्योंकि अभी हम लोग एक जंगल में हैं, तो फिलहाल अभी थोड़ा सा हम लोगों को एक दूसरे का केयर करना ही होगा। तो फिलहाल अभी मैं जाके देखता हूँ, और चार्ली को मैंने बुलाया लेकिन उसने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो शायद से चार्ली अभी गायब हो चुका है। मुझे पता था कि यही होने वाला है, तो अभी जाके मैं सबसे पहले चार्ली को उसके टेंट में देख लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों का गेम स्टार्ट हो चुका है, अब हम लोग अपने हिसाब से गेम को खेल सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं है, ओके, तो यहाँ पे आग जल रहा है जो कि इसके बगल में वो बैठा हुआ था चार्ली। तो फिलहाल अभी आसमान में चांद है, मतलब अभी भी रात है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को उसको ढूंढना है, तो मेरे टेंट में तो है नहीं एंड उसके टेंट में भी नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे इस आग में वो था, मतलब आग में नहीं था, मतलब साइड में यहाँ पे बैठा हुआ था। और तो फिलहाल अभी यहाँ पे मुझे एक रोड दिख रहा है, शायद से इसी रोड से जाने से हो सकता है हमें आगे कोई क्लू मिल जाए जिसके थ्रू हम लोग चार्ली को ढूंढ पाए। तो फिलहाल ये रोड है और हमें इस रोड को फॉलो करते जाना है, और कहीं ना कहीं तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। एंड मुझे लगता है शायद से चार्ली को इसी रोड से ले गया होगा। तो फिलहाल अभी मैं जाता हूँ, और मुझे पता है इस गेम का जो मॉन्स्टर है उसी ने उसको ले गया होगा। बाकी आगे मुझे एक घर दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और ये घर बहुत ही ज़्यादा डरावना है, तो शायद से इसी घर के अंदर में चार्ली को किडनैप करके रखा होगा उस मॉन्स्टर ने। तो फिलहाल अभी मैं उस घर के अंदर में जाऊँगा, और पता नहीं उस घर के अंदर में क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ये जो घर है एक जंगल के बीचों बीच में है, और रात का मौसम है, और ऊपर में कोई तो है। ओके, तो ऊपर में मुझे कोई ना कोई दिखा, और वो एक लेडीज़ थी और बहुत ही ख़तरनाक देखने में थी। तो फिलहाल अभी मैं जाता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे एक कुल्हाड़ी मिल चुका है, एक एक्स मिल चुका है, तो इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। और फिलहाल बाहर में कोई है, कौन है भाई? ये एक मॉन्स्टर है, तो मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। बाकी ये जो मॉन्स्टर है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक देखने में, तो फिलहाल अभी मैं यहाँ से जल्दी से निकल लेता हूँ। और वो मॉन्स्टर मेरा पीछा कर रहा है क्या? तो वो मॉन्स्टर शायद मेरा पीछा नहीं कर रहा है, तो मैंने दरवाजे को ओपन कर लिया, और यहाँ से मुझे एक की मिल चुका है। ओके, तो इस की से शायद हम लोग किसी सीक्रेट दरवाजे को खोल सकते हैं। तो मुझे लगता है इस गेम में दो दो मॉन्स्टर है, क्योंकि एक शायद बाहर में रहता है और दूसरा शायद उस घर के अंदर में रहता है, क्योंकि मैंने एक लेडीज़ को भी देखा था जब मैं उस रोड पर था। ओके, तो फिलहाल अभी मैं इस तरफ जाता हूँ, और अच्छी तरीके से सबसे पहले हम लोग हर जगह को एक्सप्लोर करेंगे। मैंने कहा था ना कि वो मॉन्स्टर बिल्कुल बाहर में घूमता है, वो मॉन्स्टर उस तरफ है, राइट साइड में। तो फिलहाल अभी मैं उस तरफ चलता हूँ, और अगर वो मॉन्स्टर ने मुझे देख लिया ना फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको मैं खोल सकता हूँ शायद, मेरे पास जो की था उसके मदद से। ओके, तो मुझे यहाँ पे एक हैमर मिल चुका है, और अभी शायद इस हैमर की मदद से हम लोग वुडन प्लैंक्स को हटा सकते हैं। तो इस दरवाजे पर बहुत सारे वुडन प्लैंक्स लगे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ। ओके, मैंने इसको हटा दिया, और इसको भी हटाना है। और ओके गाइस, तो मैंने इस मतलब ये घर जो है इसको मैंने ओपन कर लिया, लेकिन मुझे लगता है इस गेम में एक नहीं बल्कि तीन तीन मॉन्स्टर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बुढ़ा को देखा, और शायद से वो भी बहुत ही ख़तरनाक मॉन्स्टर है। और मुझे लगता है इस घर के अंदर में ये बुढ़ा वाला जो मॉन्स्टर ये रहता है, और घर के बाहर में वो क्रिएचर वाला जो मॉन्स्टर है वो रहता है, और शायद इस घर के अंदर में कोई लेडीज़ भी है। मतलब बहुत सारा इस गेम के अंदर में मॉन्स्टर है, तो गेम बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। तो फिलहाल अभी अच्छी तरीके से सबसे पहले हर जगह को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे चीज़ों को, एंड उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ से स्केप कर पाते कि यहाँ से मुझे की मिल चुका है। ओके, तो ये बहुत सारी मुझे की मिल चुका है, बट इसका यूज़ कहाँ पर होगा मुझे नहीं पता, तो अभी देखते हैं, कहीं ना कहीं तो इसका यूज़ होगा। सबसे पहले अच्छी तरीके से हर जगह को देखते हैं, अपने आप ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर यूज़ होने वाला है। बाकी मुझे लग रहा है मॉन्स्टर यहाँ पे आने वाला है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे एंड उसको आने देंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से दूसरे जगह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर ने मुझे देख लिया ना फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बैठ कर देख रहा हूँ ताकि मैं क्लियरली उसको देख सकूँ कि वो मॉन्स्टर आ रहा है, तो शायद उसने मुझे देखा है क्या, पता नहीं, बट उसको शक हो गया है कि कोई ना कोई तो इस घर के अंदर में आ चुका है। तो मैं फिलहाल अभी चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ है। ओके, मुझे यहाँ पे कॉर्ड मिल चुका है, 7678, मतलब ये कॉर्ड किसी सीक्रेट जगह में लगने वाला है, कोई सेफ बॉक्स या तो कोई दरवाजे में लगने वाला है। बाकी वो मॉन्स्टर यहाँ पे आ चुका है,
तो फिलहाल अभी मैं सेफ हूँ क्योंकि यहाँ पे जो टेबल है इस पे मैं बच सकता हूँ। बाकी इसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है तो ये कुल्हाड़ी फेंक के भी मार सकता है, बट अभी हम लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। एंड ये मुझे पता है ये मुझे फेंक के नहीं मार सकता है और ये मुझे पिक कर रहा है। मुझे नहीं पता इस गेम के अंदर में हम लोग सुअर हैं या कोई इंसान, बट जो भी हो अभी हम लोगों को अपना काम करना है और अच्छी तरीके से घर को एक्सप्लोर करना है, सर्च करना है, देखना है और यहाँ से हमें एस्केप करना है। बस इतना ही हमें पता है, अपने दोस्त को ढूंढना है और यहाँ से एस्केप करना है। और मुझे नहीं पता अपने दोस्त को उसने कहाँ पे छिपा के रखा है, कहाँ पे उसने ट्रैप करके रखा है, तो उसको भी हमें ढूंढना होगा। और अभी फ़िलहाल वो जो मॉन्स्टर है इस तरफ से आ रहा है तो मुझे अभी जल्दी से ऊपर ही जाना होगा क्योंकि नीचे मैं सेफ नहीं हूँ और ये मॉन्स्टर बहुत तेज़ दौड़ता है। और यार क्या शायद वो कन्फ्यूज़ हो गया, बहुत जल्दी ये कन्फ्यूज़ हो जा रहा है। ओके, तो मैंने इसको गोल गोल घुमा दिया जिसके कारण ये कन्फ्यूज़ हो गया और मुझे नहीं लगता ये ऊपर आने वाला है, बट यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, कहीं अगर आ गया ना फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मुझे केयरफुल रहना है और किसी भी हाल में उसके हाथ हमें नहीं आना है। तो फिलहाल अभी शायद वो ऊपर ही आ रहा है मुझे लगता है, तो तब तक हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं जगह को। बट मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत तेज़ दौड़ता है। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, उसका इंतज़ार करते हैं। अगर वो आता है तो उसको सबसे पहले हमें किसी भी हाल में कन्फ्यूज़ करना होगा एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं वो मॉन्स्टर यहाँ पर आता है कि नहीं। तो मुझे नहीं लगता मॉन्स्टर यहाँ पे आएगा क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो चुका था नीचे, बट वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, चालाक है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना ही होगा, ठीक है। ओके, वो मॉन्स्टर ऊपर ही आ चुका है और वो जो बगल वाला जो कमरा है वहाँ पे है। तो फिलहाल मैं यहीं पे रहता हूँ ताकि उस मॉन्स्टर पे मैं नज़र रख सकूँ और अगर वो इधर आता है तो मैं उसको कन्फ्यूज़ कर सकूँ, ओके, और मैं अपने खुद को भी मैं बचा सकूँ। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ से देख सकता हूँ, मुझे धीरे धीरे बाहर जाना। ओके, तो मैंने दरवाजे को बंद कर दिया और खोल दिया ताकि यहाँ पर साउंड हो जाए एंड वह मॉन्स्टर इसी तरफ आ जाए। तो किसी भी हाल में एक बार मैं उसे अगर कन्फ्यूज़ कर देता हूँ तो नेक्स्ट टाइम वो शायद हम लोगों को, ओके, उसने मुझे देख लिया और वो पिक कहना मुझे स्टार्ट कर दिया है क्योंकि उसको पता चल चुका है कि मैं यहाँ पे हूँ और अभी मैं इधर से निकलता हूँ जल्दी से। ओके, तो मैंने उसको कन्फ्यूज़ कर दिया उस टेबल में और फिलहाल अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। ओके, मैं नीचे आ चुका हूँ और अभी शायद वो कन्फ्यूज़ हो चुका होगा क्या। ओके, शायद वो कन्फ्यूज़ नहीं हुआ है, वो मेरे पीछे आ रहा है तो फिर से मुझे उसको कन्फ्यूज़ करना है जिसके कारण, ओके, शायद वो अभी वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो चुका है। तो फिलहाल अभी मैं सेफ हूँ और वो इस तरफ लेफ्ट साइड में खड़ा है इस रूम में, तो अभी शायद उसने मुझे नहीं देखा, वो उस तरफ जाएगा। ओके, तो मैंने उसको कन्फ्यूज़ कर दिया इस बार और यहाँ पे एक पासवर्ड लगने वाला जो कि हमें मिला था, तो हमें जो पासवर्ड मिला था यहाँ पे मुझे डालना होगा। ओके, मैंने डाल दिया ओपन पे, मैंने क्लिक भी कर दिया, हम लोग का जो सेफ बॉक्स है वो ओपन हो चुका है और यहाँ से मुझे की मिल चुकी है और मुझे लगता है इस की के थ्रू हम लोग किसी सीक्रेट दरवाजे को खोल सकते हैं। तो फिलहाल इधर, ओके, यहाँ पे जो दरवाज़ा है इसको मैं खोल सकता हूँ। ओके, इसको मैंने खोल लिया, यहाँ पे मुझे क्रोबार मिल चुका है और क्रोबार का जो यूज़ है वो बहुत जगह में होता है और हर गेम में क्रोबार हमें मिलता है और इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, हर जगह में, हर गेम में होता है। तो फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा उस मॉन्स्टर का वेट करता हूँ एंड उस मॉन्स्टर को आने देते हैं, उसके बाद हमें ऊपर जाना होगा और ऊपर में और एक सीक्रेट जगह है एंड हम लोग वहाँ पे जाएंगे। ओके, तो मॉन्स्टर उस तरफ जा चुका है तो मैं फिलहाल अभी जल्दी से ऊपर जाता हूँ एंड वो सीक्रेट जगह यहाँ पे है। ओके, तो मैंने क्रोबार के थ्रू इसको ओपन कर लिया, मुझे यहाँ पे एक सीढ़ी मिल चुका है और इस सीढ़ी के थ्रू हम लोग ऊपर जा सकते हैं और मुझे नहीं पता ये लास्ट फ्लोर है शायद से और शायद यहाँ पे किसी को यहाँ पे बंद करके रखा गया है। तो फिलहाल मुझे लगता है हम लोग जब रोड में थे तो हमें एक औरत देखने को मिली थी, शायद ये वही औरत है जो कि हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ से मुझे की मिल चुका है और मुझे नहीं पता ये की कहाँ पे यूज़ होने वाला है और इस की के थ्रू हम लोग कौन सा सीक्रेट दरवाज़ा ओपन करने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर आ गया ना फिर वो मुझे पकड़ लेगा और मैं अभी बिल्कुल फंस चुका हूँ। ऊपर भी एक मॉन्स्टर है और वो जो मॉन्स्टर है नीचे वाला वो भी यहाँ पे आ चुका है, बट जो ऊपर फ्लोर में जो मॉन्स्टर है ये फिलहाल अभी मरी हुई है लेकिन जो जिंदा मॉन्स्टर है वो फिलहाल अभी ऊपर आ चुका है। तो उसको सबसे पहले नीचे जाने देते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे उतरेंगे। तो फिलहाल अभी वो मॉन्स्टर जा चुका है तो मैं भी नीचे उतर चुका हूँ और यहाँ से मुझे जल्दी से निकलना है और इधर जो दरवाज़ा है उसको हमें ओपन करना। ओके, मैंने कर लिया है और अभी फ़िलहाल मैं नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पर एक भूल भुलैया जैसे जगह है तो शायद मेरा जो दोस्त है वो यहीं पे मुझे मिलने वाला है, मुझे जितना लगता है। तो चलिए देखते हैं वो मॉन्स्टर यहाँ पे है क्या। तो फिलहाल अभी वहाँ पे, ओके, तो मेरा दोस्त यहीं पे है, मुझे मेरा दोस्त मिल चुका है बट उसको खोलने के लिए हमें चाहिए एक की। तो मुझे नहीं पता वो की कहाँ पे मिलेगा बट मुझे जितना लगता है शायद यहीं पर हमें वो की मिलने वाला है। तो आगे एक दरवाज़ा है तो शायद इसको हमें खोलना है। ओके, मैं इसको खोल लिया और फिलहाल यहाँ पे एक फ़ोटो है। ओके, ये बहुत ही ख़तरनाक था भाई। ओके, मुझे यहाँ से मिल चुका है एक की और मुझे पता है इस की के थ्रू हम लोग अपने दोस्त को बचा सकते हैं, उस रूम के अंदर हम लोग जा सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं अपने दोस्त के पास। ओके, तो ये जगह बहुत ही ख़तरनाक है और बहुत सारे दरवाजे यहाँ पे, तो इसको मैं करता हूँ ओपन। ओके, मैंने इसको ओपन कर लिया, मेरा दोस्त यहीं पे, मतलब मेरा दोस्त हमें मिल चुका है। फाइनली हम लोगों ने अपने दोस्त को ढूंढ लिया और मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ होने वाला है।
वो शायद कहीं मेरे दोस्त को उसने मार तो नहीं दिया ना। ओके गाइस, तो ये एक मॉन्स्टर बन चुका है। मुझे लग ही रहा था कि उसको शायद मेरा जो दोस्त है उसको उस मॉन्स्टर ने भूत बना दिया है, और फिलहाल उसने भी हमें पकड़ लिया। जो अपना दोस्त है उसने ही हमें पकड़ के वहाँ पे ट्रैप करके रख लिया है। तो ये जो गेम है, ये फिर से इसका नया अपडेट आने वाला है, उसके बाद हम लोग इस गेम को फिर से खेलेंगे। और आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।